उत्तर प्रदेश के विधानसभा का सत्र खत्म होते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने रूठे नेताओं को मनाने और समझाने में जुट गए हैं। अखिलेश यादव बुधवार को दिल्ली पहुंचे और गंगाराम अस्पताल में भर्ती आजम खान से मिले। जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद आजम और अखिलेश की ये पहली मुलाकात थी जो करीब 3 घंटे तक चली। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब रामपुर और आजमगढ़ संसदीय सीट पर उपचुनाव होने जा रहे थे। आजम अखिलेश के बीच 3 घंटे तक चली मुलाकात में रामपुर लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी के चयन को लेकर भी चर्चा हुई। रामपुर लोकसभा सीट आजम खान के बीते मार्च में संपन्न विधानसभा चुनाव में फिर से विधायक चुने जाने के बाद इस्तीफा देने से खाली हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश ने आजम के सामने रामपुर लोकसभा सीट पर सपा के प्रत्याशी के लिए उनके परिवार से किसी सदस्य को चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर अब आजम खान को ही फैसला लेना है। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव को 2024 लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों सीटें सपा की गढ़ रही हैं। ऐसे में बीजेपी इन दोनों ही सीटों पर हर हाल में सेंध लगाकर कमल खिलाने की कवायद में है, तो सपा अपने हाथों से किसी भी सूरत में इसे निकालने देना नहीं चाहती। लोगों की नजर रामपुर लोकसभा सीट पर है जो आजम खान का मजबूत दुर्ग माना जाता है। आपको बता दें, अखिलेश यादव अगले 1-2 दिन में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट चुनाव लड़ने वाली पार्टी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देंगे। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से अपनी पत्नी डिंपल यादव को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है, जबकि रामपुर का टिकट आजम खान की मर्जी पर छोड़ दिया गया है। सूत्रों की माने तो अखिलेश ने आजम से मुलाकात के दौरान रामपुर संसदीय से सिद्धरा खान को चुनाव लड़ाने फॉर्मूला रखा था, लेकिन सिद्धरा खान रामपुर से विधायक आजम खान के बड़े बेटे अदीब खान की पत्नी है। हालांकि रामपुर से सिद्धरा खान को चुनाव लड़ाने का फैसला आजम खान को खुद करना है। ऐसे में आजम चाहे तो परिवार से किसी सदस्य को चुनाव लड़ाएं या फिर अन्य किसी अपने करीबी नेता को। सिद्धरा खान के नाम की चर्चा रामपुर से चुनाव लड़ने के लिए इसलिए भी की गई है क्योंकि आजम के छोटे बेटे अब्दुल्ला मौजूदा समय में विधायक हैं, जबकि पत्नी तंजीन खान राज्यसभा व विधायक रह चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।